नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सीएस मनोज कुमार सिंह ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया और आजादी की लड़ाई में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद किया। इस मौके पर उनके साथ कई और लोग भी मौजूद रहे। तो लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह सुबह 8 बजे ये ध्वजारोहण किया गया और मनोज सिंह ने ये ध्वजारोहण किया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने आवास पर उन्होंने यहां पर ध्वजारोहण किया। तस्वीरों में कई सारे लोग दिख रहे हैं और सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पर 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ये ध्वजारोहण किया गया। तो देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और अब खबर लखनऊ से है जहां डीके ठाकुर द्वारा स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर जोनल कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। जोनल कार्यालय में नियुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मिठाइयां बांटी गई। तो लखनऊ की अब ये तस्वीरें हैं स्वतंत्रता दिवस मनाने की, जहां पर जोनल कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और ध्वजारोहण यहां पर किया गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीके ठाकुर की और स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर यहां पर भी काफी हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम किया गया, ध्वजारोहण किया गया और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। जोनल कार्यालय की ये तस्वीरें हैं लखनऊ से। यहां पर बड़े ही धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई। कई अधिकारी भी इसमें शामिल हुए जिनको तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं और लखनऊ की तस्वीरें हैं। और श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में तिरंगा फहराया गया। आपको बता दें कि व्यवस्था में लगे कार्यकर्ताओं और निर्माण श्रमिकों ने स्वाधीनता दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। और अब अयोध्या की ये तस्वीरें जहां पर श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में तिरंगा फहराया गया और निर्माण कार्य में जो श्रमिक शामिल थे वो भी इसमें शामिल हुए। देखिए तस्वीरें काफी मन को मोह देने वाली तस्वीरें हैं। श्री रामलला भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। यहां पर मंदिर परिसर में आज झंडा फहराया गया। 78वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की यहां पर भी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। श्रमिक संगठन भी आपको दिख रहा है, कई श्रमिक भी आपको इसमें दिख रहे हैं जिन्होंने आजादी के इस उत्सव में भाग लिया। और अब खबर लखनऊ से है जहां सूचना निदेशक शिशिर ने सूचना विभाग प्रांगण में झंडारोहण किया। इस अवसर पर सूचना विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात कही। आइए सुनते हैं आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा। सब काम स्वतंत्र रूप से करते हैं, हमारे ऊपर कोई बाधा नहीं, कोई उस प्रकार का बंधन नहीं है जिसमें हम कह सकें कि कोई हमारे ऊपर कोई प्रभाव डाल रहा, हमारे स्वतंत्रता में कोई बाधा पहुंचा रहा। उसी के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो खुशियां हैं उसके पीछे का कारण क्या है कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे बलिदानी थे, उन्हीं की देन है कि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, कोई हमारे ऊपर बंधन नहीं है। पर एक बंधन है, वो है संविधान का, एक बंधन है वो है नागरिक कर्तव्य का। कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ है, वो तभी है जब अपनी जिम्मेदारियों को हम समझेंगे। और जश्न आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस का पावन अवसर विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित किया गया और सीएम योगी ने इस दौरान ध्वजारोहण किया। सीआरपीएफ के सुरक्षा राम 2005 में श्रीनगर में वीर गति को प्राप्त हुए, इनकी पत्नी सीता सुंदरी जी मंच पर सम्मानित हो रही हैं। सीता सुंदरी जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष
शहीद दिवाकर तिवारी डीसी सीएआरपीएफ, उनकी पत्नी संतोष तिवारी कृपया मंच पर आए। दंतेवाड़ा में नक्सलवादियों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में शहीद उनकी पत्नी इस समय मंच पर सम्मानित होते हुए। और अब लांस नायक शहीद बचान सिंह, उनकी पत्नी श्रीमती मुन्नी देवी मंच पर हैं। शहीद बचान सिंह तरन तारण में आतंकवादियों से मुकाबला लेते हुए शहीद हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सम्मान समारोह के पश्चात अब कार्यक्रम के उस भाग की ओर बढ़ते हैं जिसकी हम सबको प्रतीक्षा है। देवियों और सज्जनों, स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के विधान भवन के समक्ष आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करता हूं। जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश के सम्मानित बहनों एवं भाइयों, देश के 77वें स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस पावन अवसर पर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों को मैं अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी वीर अमर सपीतों सपूतों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमृतकाल में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक काकोरी ट्रेन एक्शन का यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश में वर्ष पर्यंत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन के माध्यम से हम देश की आजादी के महानायकों का स्मरण करेंगे। हमारा तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। इस वर्ष 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह वर्ष भारत के लिए ऐतिहासिक वर्ष है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री रामलला के बाल विक्रह रूप की प्राण प्रतिष्ठा कर। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सुनाएंगे कि सीएम योगी ने आखिर क्या कुछ कहा। राम राम भाई साहब। भाई जो देश का पेट भरता है ना वो किसान ही भरता है। इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, खून पसीना बहाना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, जब जागे हमारे यहाँ अन्न पैदा होता है। एक ये सोलर की स्कीम चला रखी जी, अपना ट्यूबवेल कनेक्शन लगवाओ, इसमें 25% किसान को देना पड़ता है और 75% सरकार वहन करती है। तो ये किसानों के लिए सोने का सुहागा है। कोई सब्सिडी वगैरह आती है वो सीधी किसान के खाते में आ जाती है। बीच में जो इस पैसों की गड़बड़ी कर जाते थे वो गड़बड़ी अब बंद हो गई है, सीधा किसान को फायदा हो रहा है।
तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर जश्न आजादी के मौके पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है, प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन से उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के अंदर स्थापित हुआ है। राष्ट्रीय जीडीपी में 9.2% योगदान के साथ उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा है। पिछले 7 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को भी हमें दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई है। राज्य सरकार अंत्योदय के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान के लोगों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर गरीब, जरूरतमंद और वंचित को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। विगत 7 वर्ष में 56 लाख से अधिक गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया गया, 2.62 करोड़ से अधिक गरीबों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्राप्त हुई, 1.86 करोड़ गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन का 2.65 करोड़ से अधिक परिवारों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने और 15 करोड़ जरूरतमंदों को निःशुल्क खाद्यान्न भी उपलब्ध करवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। बनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, गौड़ आदि वंचित समुदायों को आवास, राशन, जमीन के पट्टे, स्कूल आदि की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आजादी के बाद 70 वर्षों तक उपेक्षित रहे यह लोग आज विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़कर ईज ऑफ लिविंग का अनुभव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डीबीटी द्वारा योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल रहा है। आकांक्षात्मक विकास खंडों के माध्यम से 100 पिछड़े विकास खंडों को विकास की मुख्य धारा से साथ के साथ जोड़ा जा रहा है। पात्र परिवारों के लिए लाभार्थी प्रद योजनाओं के माध्यम से प्रदेश सरकार ने संकल्प किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प रहा है, कि हम देश को 0 पॉवर्टी के अभियान के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और उत्तर प्रदेश आज जब अपनी आजादी का 78वां स्वाधीनता दिवस के आयोजन के साथ जुड़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दोहराने के लिए प्रतिबद्ध है कि देश की सबसे बड़ी आबादी का यह राज्य 0 पॉवर्टी के उनके संकल्पों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेगा। हर परिवार के पास अपना फैमिली आईडी बना करके शासन की योजनाओं को 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रहा करेगा, और इसके लिए प्रत्येक परिवार को फैमिली आईडी उपलब्ध करवाएगा। युवा भारत के विकास की धुरी है, हमारा युवा प्रतिभाशाली है, ऊर्जा से भरपूर है। विकसित भारत के निर्माण के लिए इन ऊर्जावान प्रतिभाशाली
युवा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए राज्य सरकार शिक्षा रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश के अंदर आज अपने युवाओं के लिए हम लोग आज एक नई योजना की घोषणा करते हैं, मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, जिसके क्रम में आगामी कुछ वर्षों के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान की एक अभिनव योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत नौकरी की बजाय उद्यम, इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऐसे 10 लाख नए एमएसएमई इकाइयों के गठन के लिए सरकार उन्हें आर्थिक रूप से उन्नयन करेगी और सपोर्ट करेगी। इसके माध्यम से 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के सृजन की नई संभावना आगे बढ़ेगी। प्रदेश में अब तक हुए निवेश से 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को अपनाकर 62,00,000 युवाओं को स्वरोजगार से भी जोड़ने में मदद मिली है। निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विगत 7 वर्ष में 6,50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। तो स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप फंड की भी स्थापना की गई है। युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट का निःशुल्क वितरण प्रभावी ढंग से गतिमान है। तो प्रदेश सरकार प्रत्येक स्तर की शिक्षा के उन्नयन के लिए भी प्रभावी प्रयास कर रही है। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निर्मित हो रहे हैं। नए शैक्षिक सत्र में अब तक 20,50,000 से अधिक बच्चों ने परिषदीय स्कूलों में प्रवेश लिया है। छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता मोजा, स्कूल बैग आदि उपलब्ध कराने हेतु 1,200 रूपये की दर से धनराशि डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के माता पिता अथवा अभिभावक के खाते में। ओहो, लाइट चली गई, पहले पुरानी। तो गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्य भी तेजी के साथ निर्माण की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके पूर्णता को प्राप्त कर रहा है। मेरठ में प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है। प्रदेश सरकार अपने अन्नदाता किसानों कि आय को बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारे अन्नदाता किसानों की ही मेहनत का परिणाम है कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि में हमारा हिस्सा मात्र 12% है, लेकिन हमारे अन्नदाता किसानों के प्रयास का परिणाम है, उनके परिश्रम का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के खाद्यान्न की 20% से अधिक की आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। प्रदेश सरकार
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक अपने 2,62,00,000 किसानों के खातों में 75,000 करोड़ रुपए से की अधिक धनराशि आंतरित कर चुकी है। अब तक 31 सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण होकर 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त सिंचन क्षमता की क्षमता सृजित कर चुकी है, जिसके माध्यम से 46,69,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की देने की व्यवस्था के तहत 14,00,000 से अधिक किसानों को अप्रैल 2023 से ट्यूबवेल के बिल माफ किए गए हैं। सिंचाई हेतु जून मास तक 66,000 से अधिक सोलर पंप स्थापित भी किए गए हैं। एग्रीस्टेक योजना में 99,000 राजस्व गांवों को जियो रेफरेंस विलेज मैप तैयार किया गया है। 2024-25 में समस्त जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे एवं फार्मर रजिस्ट्री को भी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 25,000 किसानों को कार्बन क्रेडिट के रूप में 200 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वर्ष 17 से अब तक 2,53,000 अधिक से अधिक की धनराशि गन्ना किसानों को भुगतान किया गया है। 23-24 में गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई। अगेती प्रजातियों का ₹370, सामान्य प्रजातियों का मूल्य ₹360 और अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य ₹355 प्रति क्विंटल अन्नदाता किसान को भुगतान किया जा रहा है। श्री अन्न के प्रोत्साहन हेतु किए गए प्रयासों से वर्ष 23-24 में एवं 23-24 में मिलेट के क्षेत्रफल में 24.4% और उत्पादन में 14% की वृद्धि हुई है। जनपद आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का साउथ एशिया रीजनल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। 27 जनपदों में गंगा जी के तटीय क्षेत्रों का बुंदेलखंड में 1,24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक खेती का गौ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रारंभ किया गया है। हम सब जानते हैं आधी आबादी के सशक्तिकरण के बगैर कोई भी समाज समृद्धि के नए पायदान को नहीं छू सकता। प्रदेश सरकार आज प्रदेश की नारी शक्ति के उन्नयन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। देश व प्रदेश के विकास में इस आधी आबादी की बड़ी भूमिका है। महिला सशक्तिकरण के लिए इसीलिए सरकारों का पूरा ध्यान उस ओर गया है। प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से 19,34,000 बालिकाओं को लाभान्वित कर रही है। योजना राशि अब लाभार्थी को ₹15,000 से बढ़ाकर के ₹25,000 की गई है। मुख्यमंत्री तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ से सीएम योगी को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।